दादी ने जिम्मेदारी किसी को दे दी? जी एक्चुअली हमारे घर की एक रस्म है कि मकर संक्रांति के दिन हमारे जो दादाजी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके नाम की पतंग जो है वो उड़ाई जाती है, और ये बहुत बड़ी रस्म बन गई है क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उनके नाम की जो पतंग कोई जो भी उड़ाता है, जैसे हमारे बाऊजी उड़ाते हैं, तो वो कट गई हो। सो ये बहुत ही बड़ी बात है और इस चीज़ की रस्म बन चुकी है। और मतलब मम्मी जी मुझे कहती हैं कि तुम ये रस्म निभाओ क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तो मैं नहीं चाहती बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस रस्म एंड ऑल दैट, बट समवे मुझे मम्मी जी मेरा इतना साथ दे रहे हैं तो मुझे भी उनका साथ देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर से जो मैं अपने मायके जाती हूँ और वहाँ से जल्दी आके सबसे पहले दादी माँ के पास आ जाऊँ ताकि दादी माँ मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। पहुंचती सबसे पहले मैं हूँ, लेकिन बोलते हैं ना कि कभी कभी दिमाग से खेला गया हुआ खेल ज़्यादा वो हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो बस वही मैं दादी पा के बाजू में बैठी होती हूँ, साइड में बैठी होती हूँ और थपकी उनके चरणों के पास बैठी। तो ऑब्वियसली जब कोई इंसान उठेगा तो वो अपने साइड पे ना देखकर अपनी चरण की तरफ देखेगा और वहाँ पे थपकी बैठी होती है, और दादी माँ को लगता है कि सबसे पहले वो आई है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी जाती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन समवे मम्मी जी बहुत अपसेट हो जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ से चली गई है तो मैं एज़ ऑलवेज थपकी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाने नहीं दूंगी। सो आई हैव अनदर प्लान फॉर हर टू मेक हर टू मतलब मुझे उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करना है। सो उसके लिए मुझे और एक प्लान सोचना पड़ेगा। ऐसा एक भी दिन ना गया हो कि श्रद्धा के रहते तो पांडे परिवार में जा ही नहीं सकता है। आई थिंक मुझे लगता है एक नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे बहुत कम दिन हुए होंगे किसी भी इंसान की लाइफ में जो उसने बोला कि आज मेरा जो दिन है वो किसी भी मुसीबत के बगैर नहीं गुजरा है। ऐसे बहुत कम दिन होते हैं। तो ऐसी ही थपकी की लाइफ है। थपकी की लाइफ में कोई भी चीज़ें सही से नहीं होने वाली है। जैसी जब जब श्रद्धा जैसे मुसीबत उसके सामने खड़ी रहेगी वो उसकी लाइफ ठीक से चलने नहीं देगी। तो एवरी सिंगल डे वही बात है, इतनी बार हारने के बावजूद भी मैं अपना जो है कोशिश छोड़ नहीं रही हूँ और उसको हराने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।